तो आजकल गाइस सब लोग फेसबुक यूज करता, बट कुछ लोग अगर फेसबुक लाइट यूज करते तो वो नहीं कर पाएंगे ये सेटिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको फेसबुक डाउनलोड करना होगा, जो ओरिजिनल वाला फेसबुक है। फेसबुक लाइट डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि फेसबुक लाइट में आप लोग लिंक नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको कोई भी लिंक्स ऐड करनी है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी चीज की भी लिंक अगर आपको बायो में ऐड करनी है, तो उस पर क्लिक करके आपके अकाउंट पे वो चला जाए। ओके, तो आपको फेसबुक डाउनलोड करना होगा। फेसबुक डाउनलोड करने के बाद में आपको लिंक को कैसे ऐड करना है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज यार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो ध्यान से देखिएगा गाइस। ओके, फेसबुक आप लोग ओपन कर लीजिए। ओ सॉरी, फेसबुक लाइट ओपन हो गया। तो फेसबुक लाइट ओपन मत करिएगा, क्योंकि फेसबुक लाइट में ये सेटिंग नहीं लग पाएगी। सबसे पहले आपको फेसबुक ओपन करना होगा। थ्री लाइन आपको देख रहा है ना राइट कॉर्नर पे, आप लोगों को इस पे क्लिक करना होगा। आपको अपने नेम पे क्लिक करना होगा, प्रोफाइल पे जाना है, देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट प्रोफाइल का, जो पेंसिल वाला आइकन नहीं बना, आप लोगों को इस पे क्लिक करना होगा एडिट प्रोफाइल पे। और उसके बाद में सबसे नीचे आपको जाना होगा। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड का, लिंक्स का मतलब। तो यहाँ पे आपको एक सबसे फर्स्ट पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ ऐड सोशल लिंक। आपको यहाँ पे कोई लिंक कॉपी पेस्ट नहीं करनी, ध्यान दीजिएगा गाइस। आपको इस पे क्लिक करना होगा, प्लेटफॉर्म पे आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आप किस चीज की लिंक लगाना चाहते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या स्नैप, किस चीज की लिंक लगाना चाहते हैं आपको उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैंने यूट्यूब को सिलेक्ट कर लिया। देखो एक बात का आपको ध्यान देना है, आप जो अपना नेम लिखेंगे, आपका यूजर नेम जो होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जैसे कि यूट्यूब का हो या इंस्टाग्राम का या स्नैप या ट्विटर, किसी चीज का भी आपको जो यूजर नेम है वो बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो आपके अकाउंट पे पहुंच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल नेम लिख दिया है। अब उसके बाद में आपको मतलब नीचे से सही कर देना होगा, आपको कीबोर्ड पे ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर से ऐड सोशल लिंक पे क्लिक करना होगा। सबसे फर्स्ट पे ही आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ओके, जो वेबसाइट्स का ऑप्शन है आपको यहाँ पे नहीं क्लिक करना होगा, आपको ऐड सोशल लिंक्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि अब आप किस चीज़ का लिंक मतलब अपना नेम लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। फिर मैंने ऐड सोशल लिंक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में ऐड सोशल लिंक पे क्लिक करने के बाद में गाइस फिर से आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी, बट यहाँ पे आपको जो चीज़ सिलेक्ट करना वही यूज़र नेम लिखिएगा। ये नहीं गाइस ट्विटर का आप लोगों ने कुछ और लिख दिया, स्नैप का कुछ और, ऐसा मत करिएगा। जो आपका यूजर नेम होगा बिल्कुल वही लिखिएगा। अगर वो कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर में लिखिएगा, अगर वो स्मॉल में तो स्मॉल में लिखिएगा। ओके, तो देखो मेरा जो स्नैप का है वो स्मॉल में, तो मैंने स्मॉल में लिख दिया ताकि कोई इस पर क्लिक करे तो डायरेक्ट स्नैपचैट पर पहुंच जाए। तो गाइज यहाँ पे फिर से प्लेटफॉर्म पे क्लिक करता हूँ, एंड जो मेरा ट्विटर यूजर नेम है वो बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला लेटर मैंने अपना कैपिटल में लिख रखा, और जो सेकंड वाला मारूफ वाला वो मैंने कैपिटल में लिख रखा। ओके, तो ये दो चीज़ मेरा कैपिटल में है, और जो मेन चीज़ क्या होता है गिनती, जो मतलब आप काउंटिंग देख सकते हैं लास्ट में 15 लिखा, वो ध्यान दीजिएगा। ऐसे आपने भी कुछ ना कुछ गिनती लगा रखी होगी, वो आप लोग एकदम ध्यान से लिखिएगा। ओके, अब गाइस क्या होता है यहाँ पे वेबसाइट्स पे क्लिक करता हूँ। वेबसाइट्स पे क्लिक करने के बाद में अगर आपकी कोई ब्लॉग स्पॉट या कुछ मतलब ब्लॉगर कोई सी वेबसाइट है आपकी, तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा और उसको कॉपी पेस्ट करना होगा। कैसे करना होगा, मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे मतलब सर्च कर दिया mrftechnical.blogspot.com, यहाँ पे मैंने ये मेरी पूरी वेबसाइट आ चुकी है अभी। उसके बाद में जो सबसे फर्स्ट पे आप लोग देख सकते हैं, इस पे मैंने क्लिक किया और इसको कॉपी किया। अभी यहाँ पे आना होगा वेबसाइट्स पे, वेबसाइट्स पे आने के बाद में इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद में मेरी जो वेबसाइट है वो लग चुकी है। अभी सबसे ऊपर आपको राइट साइड कॉर्नर पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेव करना होगा, बट यहाँ पे पब्लिक पे करिएगा। ये नहीं गाइस आप लोग लगा रहे हैं, ओनली मी कर दीजिए, ऐसा मत करिएगा। तो मैंने पब्लिक पे सेव कर दिया। अभी गाइस मैं बैक चलता हूँ, बैक जाने के बाद मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेरा यहाँ पे पूरा लिंक्स लग चुका है, ट्विटर का, इंस्टा का, स्नैप का और यूट्यूब का, और जो मेरी साइड है ब्लॉग स्पॉट वाली ब्लॉगर की, वो भी लिंक मैंने लगा रखी है। अगर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली मेरे इंस्टा अकाउंट पे पहुंचेगा, अगर जो भी मेरे यूज़र नेम पे क्लिक करेगा या फिर बोले तो इंस्टा या ट्विटर या स्नैप या यूट्यूब पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाएगा। ओके, तो फटाफट आके अगर आप लोग फेसबुक यूज़ करते ट्राई करिएगा। एंड गाइज अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी या फिर समझ में आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चलो गाइज चलता हूँ, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।